पक्ष ऑटोमोबाइल एसोसिएशन नागपुर के अध्यक्ष श्री प्रिंस तुली जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के वक्त और अब जो अनलॉक हो चुका है, तो ऐसे में आपका जो ट्रेड है, आपका जो एसोसिएशन है, तो उसमें किस तरह का वातावरण रहा, मतलब किस तरह की मंदी का वातावरण रहा, क्या आपको आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा, उस बारे में बताइए। सबसे पहले नमस्कार। जैसे कि आपने सही कहा, ये समय जो है बहुत व्यापारियों के लिए कठिन समय चल रहा है। लॉकडाउन के बाद तकरीबन हर क्षेत्र में हर व्यापारी ने एक कठिन समय देखा है और देख भी रहे हैं। एंड जब मैं समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ, ये चीज़ों में अब जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे अभी भी वो कॉन्फिडेंस आना बचा हुआ है व्यापारियों के अंदर। जो दो महीने ढाई महीने का हमने कंप्लीट संपूर्ण लॉकडाउन देखा है, झेला है व्यापारियों ने, एंड उस पर भी काफ़ी हद तक हमने हमारे एम्प्लॉयज़ की मदद की है, उनको सैलरीज दी हैं, एंड जो भी व्यापार में जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है उसका उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। तो ये काफ़ी कठिन समय चल रहा है, मैं समझता हूँ व्यापारियों के लिए। और जैसे कि अनलॉक शुरू हुआ है, तो अब व्यापारियों में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अनलॉक की प्रणाली जो शुरू हुई है हमारे, लेकिन सिटी के अंदर जो ये P1 P2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये थोड़ा सा एक चिंताजनक है। इसमें आधे व्यापारी चालू होते हैं, आधे बंद होते हैं, तो उनको वो आज़ादी नहीं मिल रही है बिजनेस करने की। एंड मैं समझता हूँ लॉकडाउन जो हमने किया और बंद रखना किसी भी चीज़ को, ये कोई सलूशन नहीं है। जो कि हम देख चुके हैं, दो महीनों तक पूरा देश हमारा बंद रहा है। बंद रहने के बाद, शुरू होने के बाद, आज हम उसी परिस्थिति, उसी पैंडेमिक के, कोविड पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, प्रॉपर प्लानिंग शुड बी देयर। और हम व्यापारियों को एक प्रॉपर समय मिलना चाहिए, ताकि हम इस आर्थिक परेशानी से जो गुजर रहे हैं, हम इससे जल्द से जल्द उभर सके। बीच में मनपा आयुक्त ने अपना जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, उसमें काफी व्यापारियों ने सपोर्ट किया था कि कोरोना को भगाना है, वो एक लक्ष्य था। इसके बावजूद भी यदि आज की स्थिति देखा जाए, तो ये कोरोना संक्रमण की वजह से व्यापारी काफी त्रस्त है, खासतौर पर व्यापारी हो गया, ग्राहक हो गया, टोटल संभ्रम में, क्योंकि ऑड इवन डे की वजह से पूरा उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसमें व्यापारियों को दोषी ठहराना कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ये उचित नहीं होगा। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, वो अपने प्रयासों से हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो इससे बच के रहे। एंड P1 P2 का जो कंसेप्ट है, ये तो मैं समझता हूँ साहब कि ये एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के साथ उल्टा लड़ाने की स्थिति इसने पैदा कर दी है। और जब एज अ ग्राहक मैं सोचूं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं बाज़ार जाता हूं और मुझे उस लाइन में वो चीज़ नहीं उपलब्ध होती है, तो मैं अगले दिन फिर निकलता हूं। तो ये चीज़ करने से उल्टा जो हम सोच रहे हैं कि लोग घर पे रहेंगे, ये उल्टा ज़्यादा एक ही काम के लिए दो बार आना पड़ रहा है, तो इससे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ जो एक व्यापारी के लिए बिजनेस सेट हुआ हुआ था, उसके कस्टमर सेट हुए थे, जिस दिन अगर मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ उस मेरे दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन मुझे किसी और जगह से लेनी पड़ती है। और इसी तरीके से व्यापारी आपस में ईर्ष्या करने लग गए हैं कि यार मेरा कस्टमर दूसरे के पास चले गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर व्यापार हो तो सब दिन के लिए, सबके लिए सब समान हो, ये नहीं कि आज एक जन बंद है, कल दूसरा बंद है। अगर संक्रमण को रोकना है तो उसका प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टम शुड बी देयर, रादर हम एक दिन बंद कर दे, एक दिन चालू रखे। जैसे कि मैंने कहा कि बंद करना सलूशन नहीं है, तो हमें इसके साथ आगे बढ़ना है, इसी के साथ जीना है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान भी और जहान भी। तो देश की इकोनॉमी को अगर देखें तो व्यापारी को मजबूत करना होगा। अगर आप व्यापारी को कहोगे कि आप 15 दिन बंद रहें और 30 दिन का वेतन दें, 15 दिन काम करें और बैंकों को 30 दिन का ब्याज दें, तो साहब ये तो आर्थिक मंदी और बढ़ेगी, इससे इससे व्यापार बढ़ नहीं सकता, इससे तो बर्डन बढ़ेगा, मैं ये समझता हूँ।
व्यापारी उनका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, काफी उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे देश की इकोनॉमी चलती है। ऐसे में देखा जाए कि जो मनपा आयुक्त जो है यहाँ के और अपना एक तरफ सिटी के जो मेयर है संदीप जोशी जी, वो दोनों के पीछे काफी कोल्ड वॉर चल रहा है। उनका एक कहना यह है अब मनपा आयुक्त क्योंकि व्यापारी होंगे फिर से नया लाइसेंस लें, इंस्पेक्टर राज की वो संभावना जारी है, और सेकंड थिंग सब व्यापारियों ने और उनके अधीन जो कर्मचारी है उन्होंने सबने कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, तो आपके नज़र से ये कुछ जायज है क्या? सर मैं ये समझता हूँ ये दोनों बातें जो आपने कही मैं एक एक करके इस पे कहूँगा। जैसे जो नया आप लाइसेंस की राज की बात करते हैं तो ये इससे इंस्पेक्टर राज का जरूर चलन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अभी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फेसलेस फियरलेस बिजनेस को हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। बट ये लाइसेंस नया जो इन्होंने लाया है मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। अगर आपको व्यापारियों की जानकारी चाहिए तो मैं कहता हूँ सर कि जीएसटी में सारे व्यापारी लगभग रजिस्टर्ड है, गुमाश्ता में सब व्यापारी रजिस्टर्ड है। अगर आपको हमारी जानकारी चाहिए आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं, ये सारे सरकारी विभाग हैं जहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा। फिर ये नया लाइसेंस किस लिए? ये जबरदस्ती अगर व्यापारियों पे थोपा जाएगा तो व्यापारी एनओसी लाने में ही बिजी रहेगा, वो अपना व्यापार पे कब ध्यान देगा? तो मुझे इसके पीछे का रीजन और लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करूंगा हमारे माननीय श्री तुकाराम मुंडे जी से कि वो इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि इस अननेसेसरी ऐसे लॉ लाने से या अलग से ऐसे कानून लाने से व्यापारियों पे बर्डन बढ़ता है। एंड व्यापारियों को उनका काम करने दिया जाए, व्यापार करने दिया जाए, अगर वो पैसा कमाएंगे तो देश को टैक्स देंगे, देश की प्रगति हो। और जैसे कि आपने दूसरी बात कही कि कोरोना का टेस्ट कराना, सर मैं तो समझता हूँ कि कोरोना का टेस्ट सारे व्यापारियों को और उनके कर्मचारियों को कराने के लिए हम उसमें एतराज़ नहीं है, पर हमें एतराज़ है सिस्टम पे। आपने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की है। आज अगर हमारे शहर में हम देखे जाए तो जितने टेस्ट सेंटर्स हैं सब मिला के हम 4,000 से 5,000 टेस्ट एक दिन के ऊपर नहीं कर सकते, और सारे व्यापारी और उनके कर्मचारी मिलाएं तो लगभग 20 लाख लोग होंगे। आप एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर रहे हैं और 20 लाख लोगों की आपके पास प्लानिंग नहीं है टेस्ट करने की, तो हाउ दिस विल बी पॉसिबल? एंड इससे मैं ये समझता हूँ कि संक्रमण के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। एक आम व्यापारी जो स्वस्थ है, उसके कर्मचारी जो स्वस्थ है, वो ऐसे टेस्ट कराने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ संक्रमण के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी एक प्रोसेस तैयार होनी चाहिए। टेस्ट कराने पे एतराज नहीं है, मैं फिर कहूँगा हर आदमी अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी चाहता है, बट तरीका जो होना चाहिए वो सिस्टमाइज होना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना आए। कुछ कोविड सेंटर्स में हमने देखा कि वो स्टेट अवे मना कर देते हैं कि साहब हम किसी को भी जो इसकी स्वस्थ है वो यहाँ पे आके टेस्ट नहीं करेंगे, और व्यापारी और एम्प्लॉयज यहाँ पे ना आए टेस्ट कराने के लिए। तो ऐसे केस में जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ प्राइवेट लैब बचता है, तो जहाँ के चार्जेस 1500 से 2000 रुपये है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 20 लाख लोग हैं और 1500-2000 रुपये उन्होंने देना है तो ये कितना बड़ा अमाउंट है जो कि वेस्ट कहलाएगा। क्योंकि आज मैं टेस्ट करवा लूँ और आज मैं नेगेटिव निकलूँ और 2 दिन बाद मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ तो ये टेस्ट तो वेस्ट हो गया मेरे लिए। व्यापारियों की जो हालत है टोटली क्रिटिकल है। एक तो क्या ऑर्डिमेंडेशन की कमर टूट गई, और सेकंड थिंग जो मनपा आयुक्त का जो आदेश है कि कोरोना टेस्ट स्व खर्चे से करा, और उसके बावजूद भी वो व्यापारी को कहना है कि यदि हम ये सब कुछ करा भी लिए प्रोसेस, क्या हो सकता है कि कल से के ग्राहक आएंगे और ग्राहकों के जरिए यदि फैला तो फिर उसकी रोकथाम कौन करेगा? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के जो एनएमसी 2022 की जो इलेक्शन होगी उसकी पूर्व तैयारी के हिसाब से ये सब एक प्रकार से चल रही रणनीति? देखो मैं इसमें इलेक्शन की तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, बट मुझे एज अ व्यक्ति बोले मैं माननीय तुकाराम मुंडे जी को बहुत सराहना करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने शुरू में हमारे शहर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर किए, बट एज फार एज ये दो जो कानून लेके आ रहे हैं इसके पीछे का फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिसी क्या है, क्यों है, उसका अगर वो डिटेल लोगों को समझा सके कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ,
तो उससे क्या है, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी। अब रही बात इलेक्शंस की, तो आई डोंट नो ये उसकी प्रिपरेशन है या नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि एज फार एज व्यापारी कंसर्न है तो व्यापारियों को उनको उनका टाइम मिलना चाहिए, काम करने के लिए उनको फ्रीनेस मिलनी चाहिए। वो लोग आगे ही इस आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत परेशान है, तो उन्हें फ्री माइंड मिलना चाहिए, ना कि ऐसे लॉ उन पर लादे जाए जिससे कि वो डिस्टर्ब रहे और उनको काम करने में कठिनाइयां आए। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तो बस यही चाहूंगा कि ये तुकाराम मुंडे जी तक ये पहुंचे एंड वो अपने जो निर्देश आदेश उन्होंने निकाले हैं उस पर पूर्ण विचार करें, ताकि हम व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी है। 4 महीने आपका ट्रेड बंद था, ऑटोमोबाइल्स जो डीलर्स है पर्टिकुलरली काफी फेस किए, उनके बैंक की EMI हो गई, उनको सॉफ्ट लोन के जरिए भी, सॉफ्ट लोन के लिए काफी परेशानी हो गई, बैंक का जो मोरेटोरियम है उसको भी आगे बढ़ने के बाद भी उनको एक किस्त देना ही पड़ता था EMI, ये सारे काफी फाइनेंशियल तकलीफों का उनको सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जैसे ऐसे में जो मंत्री है नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि मतलब व्यापारियों को कुछ दिलासा देंगे, कुछ आर्थिक पैकेज देंगे, लेकिन वो पैकेज तो अभी तक मिला नहीं है और कुछ काम हो नहीं रहा और मंदी का दौर चालू है, कैश लिक्विडिटी भी कर रहे, उस बारे में आप क्या रहे? देखिए ऐसा है कि जब तक चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होती, क्योंकि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये जग जाहिर है, इसको कोई छुपा नहीं सकता, तो जब तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, प्रोसेस में नहीं आती, बिजनेस में सेंटिमेंट्स वापस नहीं आते, चीज़ें उभर के नहीं आएगी। और मैं जरूर, आपने जो कहा कि सरकार से निवेदन करूंगा कि छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए जरूर कोई ना कोई आर्थिक पैकेज लेकर आए। नमस्कार, मैं प्रिंस तुली, प्रेजिडेंट ऑटोमोबाइल एसोसिएशन नागपुर आम। मैं अपने सभी मेंबर्स और सभी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि आप इस कोरोना महामारी जो कि पैंडमिक विश्व भर में फैला हुआ है, आप अपना स्वयं का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजिंग करवाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, एंड 2 गज की दूरी जो मेंटेन करनी है वो ज़रूर मेंटेन करें। आपकी दुकानों में जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी मास्क पहनने पे प्रेरित करें एंड सैनिटाइजेशन पे ज़रूर जोर दें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने 24/7 हमेशा उपलब्ध रहे हैं एंड कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में हमें सहूलतें पहुंचाने के लिए और एक अच्छी अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए, कि जिसके अंदर हम लोग सुरक्षित रह सके, यही मेरा आप सबसे।